गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत। छात्रों, आज अपन अध्ययन करेंगे क्या प्रबंध एक विज्ञान अथवा कला है। इज मैनेजमेंट ए साइंस और एन आर्ट। प्रबंध की प्रकृति का कला तथा विज्ञान के मध्य मतभेद विभिन्न विद्वानों में लंबे अरसे से हो रहा है और आज भी विद्वानों के मतभेद के तर्कों की गूंज सुनाई देती है। प्रबंध शास्त्र जो अत्यंत गतिशील है, उसे विज्ञान कहा जाए या कला, निम्नलिखित लाइनों के अध्ययन से स्पष्ट हो पाएगा। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, इज मैनेजमेंट ए साइंस। इस मत के समर्थकों पर वैज्ञानिक निर्णयन का अधिक प्रभाव रहा है। उनके मतानुसार सभी प्रबंधकीय निर्णयों का आधार विज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से एक वैज्ञानिक तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण के बाद निर्णय पर पहुंचता है, उसी प्रकार एक प्रबंधक को भी अपने कार्यों के संपादन में विज्ञान को आधार बनाना होगा। जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार विज्ञान की भी किसी भी विषय उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ में संग्रहित तथा स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी शास्त्र को विज्ञान तब ही कहा जा सकता है जबकि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो। 1, सामान्य तथ्यों का प्रतिपादन करना जिनकी स्वीकृति विस्तृत क्षेत्र में हो। 2, व्यवस्थित ज्ञान। 3, तथ्यों के संग्रह विश्लेषण एवं प्रयोगों पर आधारित। 4, वस्तु स्थिति का यथार्थ माप होना। प्रबंध शास्त्र ने सामान्य नियमों का प्रतिपादन तो किया है, लेकिन उसकी प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता संदिग्ध है। उदाहरणार्थ, हेवल ने प्रबंध के सामान्य सिद्धांत तो बताए, लेकिन हर परिस्थिति में उनका कठोर रूप से उपयोग संभव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की भांति प्रबंधकों के कार्य का यथार्थ माप भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रबंध मानवीय व्यवहार का किया जाता है जो कि अत्यंत गत्यात्मक है। इसके अतिरिक्त विज्ञान तो ऐसे तत्वों को आधार बनाता है जो परिवर्तनशील न हो, जबकि प्रबंध के साधन तो मानव, मशीन, माल, मुद्रा तथा पद्धति हैं जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के प्रादुर्भाव के बाद यह सत्य है कि तथ्यों एवं प्रयोगों का प्रभाव तो बड़ा है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक अभी तक भी साध्य नहीं बन पाई है, क्योंकि उनमें कल्पना तथा दूरदर्शिता का अभाव है जो कि मानव व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि प्रबंध एक व्यवस्थित ज्ञान तो है जिसने अपने अनवरत प्रयासों से कई अवधारणाओं एवं तकनीकों का विकास किया है, लेकिन उनका उपयोग भी सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रबंध का ज्ञान नाभिकीय भौतिक शास्त्र तो नहीं बल्कि एक सरल विज्ञान है, क्योंकि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र
तथा चिकित्सा शास्त्र की तरह कठोर एवं हर परिस्थिति में सत्य मापदंड प्रबंध के क्षेत्र में निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और न ही शुद्ध विज्ञान जैसी कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि प्रबंध तो मानवीय विकास एवं व्यवहार से संबंधित है। तो इस कोटेशन का एक पोर्शन, एक हिस्सा, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, ये अपन ने स्पष्ट किया है। अब दूसरा हिस्सा स्पष्ट करते हैं, क्या प्रबंध एक कला है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट। इस विचार के समर्थक विद्वानों के मतानुसार मात्र तकनीकों का ज्ञान अपने आप कार्य में सफलता ही नहीं दिला पाएगा जब तक इसमें व्यक्तिगत योग्यता का उपयोग नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार प्रबंध शास्त्र में विषयात्मक अनुभव, चातुर्य एवं अनवरत प्रयास आज भी श्रेष्ठ हैं। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित प्राप्त परिणाम प्राप्त करना ही कला है। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। इस परिभाषा एवं विचारों से कला की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर वन, चातुर्य के प्रयोग पर इच्छित परिणामों का प्राप्त करना निर्भर होना। नंबर सेकंड, परिस्थितियों के अनुरूप सुधार एवं परिवर्तन संभव। नंबर थर्ड, कला व्यक्तिपरक होती है तथा नंबर फोर्थ, यह कल्पना, दूरदर्शिता, अनुभव, विचार एवं आत्मज्ञान का संयोजन है। इन विशेषताओं को यदि प्रबंध में निरूपण करके देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मात्र चतुराई पर ही इच्छित परिणामों को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है और न ही कल्पना तथा अनुभव प्रत्येक समस्या का निदान करने में सार्थक सिद्ध हो सकेंगे। प्रबंध केवल कला है, यदि इस बात को सही मान लिया जाए तो फिर गायक एवं चित्रकार की प्रतिभा का कला से क्या संबंध है। इस मत की भ्रांति उस समय और अधिक स्पष्ट हो जाती है जबकि प्रबंध को कला कहने वाले विद्वान डॉक्टर को मनोविज्ञान की आवश्यकता महसूस कराते हैं। इसी प्रकार प्रबंध एक कला है, इसको अपन और स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रबंध में सद्विश्वास, व्यक्तित्व की छाप, निर्देशन की योग्यता, सहयोग प्राप्त करने की क्षमता आज भी महत्वपूर्ण है और ये सभी व्यक्तिगत प्रतिभा में निहित हैं, लेकिन प्रबंध के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं जिससे वह चुटकी बजाते ही कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का निर्माण कर ले। उसे तकनीकों तथा प्रविधियों का सहारा लेना पड़ता है जो कि विज्ञान की देन है। इसीलिए प्रबंध को कला केवल उस सीमा तक ही कहा जा सकता है जिस सीमा तक प्रबंध में व्यक्तिगत प्रतिभा कार्य करे। तो दोनों बातों को अपने स्पष्ट किया, प्रबंध कला है, प्रबंध विज्ञान है। निष्कर्ष के रूप में अपन यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों हैं। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। उपयुक्त लिखित विश्लेषण से अपने को लगता है कि विद्वानों में प्रबंध की कला तथा विज्ञान के बीच मतभेद विचारों के स्थान पर शब्दों का अधिक है। यदि मतभेद के मुख्य तत्वों पर एक साथ विचार किया जाए तो सही अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। विज्ञान सत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है तथा कार्य में निश्चितता लाता है, लेकिन जब तक प्रबंध उनको प्रयोग करने की कुशलता एवं व्यवहारिकता नहीं जानता तब तक विज्ञान का सदुपयोग संभव नहीं है। इसे जानने के लिए कला की आवश्यकता है जिसके मर्मज्ञ ज्ञान, चातुर्य एवं लंबे अनुभव के आधार पर सिद्धांतों के सही उपयोग का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अल्फोर्ड ने सही ही कहा है कि
बिना विज्ञान के चिकित्सक केवल झाड़ पूंछ करने वाला बन कर रह जाता है, बिना सिद्धांतों के कार्य करने वाला तकनीकी विशेषज्ञ केवल धूल में लठ चलाने वाला ही रह जाता है, तथा बिना सिद्धांतों की जानकारी रखने वाला प्रबंधक अपना भविष्य भाग्य के हाथों सौंप देता है। वास्तविकता तो यह है कि विज्ञान एवं कला एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विज्ञान जिस ज्ञान को दे पाता है उसका व्यवहार में लाना कला पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी साधन का उपयोग कैसे किया जाए यह स्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है जिससे कि कुंज एवं ओडोनेल ने परिस्थितियात्मक तथा आकस्मिकता प्रबंध को अलग अवधारणा न मानकर केवल विज्ञान तथा कला के अंतर का आधार माना है। उनके अनुसार जिस तरह एक चिकित्सक सभी बीमारियों में केवल पेनिसिलिन से ही काम नहीं चला सकता, उसी प्रकार प्रत्येक प्रबंधक को प्रभावशाली प्रबंधन के लिए परिस्थितियों के अनुरूप ही विज्ञान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों अवधारणाओं का चातुर्य के आधार पर उपयोग करना होता है। उपयुक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसे विस्तृत ज्ञान, परिपक्व निर्णय तथा व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर ही संभव बनाया जा सकता है। यह ज्ञान न तो केवल विज्ञान में है और न ही कला में, बल्कि दोनों के सम्मिश्रण में ही निहित है। इसीलिए ही प्रबंध को कला एवं विज्ञान का मिश्रण कहा जाता है। धन्यवाद।